पनावड़ा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकॉन बटन को पाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो अपडेट को। कोटड़ा विद्या मंदिर के वार्षिक उत्सव में दिखी ग्रामीण संस्कृति की झलक। उदयपुर कोटड़ा जनजाति बहुल क्षेत्र में 1978 सेकंड जनजाति क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगह रही सेवा में अग्रसर राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद कोटड़ा द्वारा संचालित टॉ विजया अपटे माध्यमिक विद्या मंदिर में वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष निर्मल गरासिया, मुख्य वक्ता सुंदरलाल कटारिया, प्रदेश मंत्री वनवासी कल्याण परिषद, मुख्य अतिथि जीवनलाल खराड़ी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कोटड़ा, विशिष्ट अतिथि में लक्ष्मण लाल पागी, शांतिलाल प्रजापत, शारदा देवी सरपंच कोटड़ा, हिम्मत तावड़ अध्यक्ष आदिवासी हित रक्षा मंच कोटड़ा रहे। कार्यक्रम का शुभारम्भ अतिथियों ने माँ सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में बालक बालिकाओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, जिसमें होली नृत्य, गुजराती नृत्य, मणिपुरी नृत्य, भजन, देशभक्ति गीत, मायर थारोपूत कटे, महाराणा प्रताप कटे, गोरबंद आदि की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। अध्यक्ष निर्मल गरासिया ने अपने उद्बोधन में 8वीं कक्षा व 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान पर आने वाले बालक बालिकाओं को 5101 की राशि पारितोषिक देने की घोषणा की। रोशन प्रजापत एबीवीपी के नगर मंत्री ने 85% अंक हासिल करने वाले बालक बालिकाओं को लैपटॉप वितरण की घोषणा की। जीवनलाल खराड़ी ने समय की महत्ता बताते हुए समय का सदुपयोग कर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर अपना माता पिता व समाज का नाम गौरवान्वित करने पर बल दिया। मुख्य वक्ता सुंदरलाल कटारिया ने कहा कि जनजाति समाज में शिक्षा की जरूरत को देखते हुए वनवासी कल्याण परिषद ने शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालयों एकल व्यालय चलाने की शुरुआत की, जिससे जनजाति बालकों व बालिकाओं को भी संस्कारी शिक्षा मिल सके। संस्कारी शिक्षा से ही देशभक्त, व्यवहारशील, अनुशासित बालकों का निर्माण किया जा सकता है। विद्या मंदिर यहाँ की निर्माण शाला है। यहाँ से शिक्षित बालक बालिकाओं ने अपना ही नहीं कोटड़ा का नाम उज्ज्वल किया है। यही तो अनुशासन व्यवस्था का अनुपम उदाहरण है। हमारी संस्कृति दीप प्रज्वलित कर उत्सव मनाने की है। सभी से आग्रह किया कि जन्मदिन पर दीप बुझा कर नहीं अपने इष्ट देव के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर मनावे, साथ ही अपने अपने माता पिता और परिवार के बड़े दादा दादी नाना नानी का आशीर्वाद लेकर मनावे, जिससे परिवार में संस्कार पनपेंगे और संस्कार व संस्कृति पनपने से वृद्धाश्रम जैसी नहीं खुलेंगे। हमें अपनी संस्कार व संस्कृति को बचाने के लिए संस्कारित शिक्षा की जरूरत जताई। अंत में विद्यालय समिति अध्यक्ष दशरथ शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। कोटड़ा से पनावड़ा टीवी के लिए देवारम सैन की रिपोर्ट। Yeah।
वासुदेव जी त्रिवेदी जी को वो मंच पर आए और उनका उपन्यास उड़ाकर स्वागत करें। आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला जो हमारे विशिष्ट व्यक्ति हैं श्री शांतिलाल प्रजापत जी की प्रकार जी से निवेदन करूंगा वो मंच पर आए और शांतिलाल प्रजापत जी का उपन्यास उड़ाकर स्वागत करें। आगे इसी सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अगला उनके स्वागत के लिए मैं मंच पर बुलाऊंगा हमारे कोटला धनराज संगठन मंत्री श्रीमान रामलाल पटेल जी को, वो मंच पर आए और भाई साहब का स्वागत उपन्यास उड़ाकर करें।
बार जोरदार तालियां बजाकर बालिकाओं के द्वारा मणिपुरी अरुणाचल प्रदेश उस साइड बहुत ही सुंदर भजन मनोज भैया के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आगे एक बार मैंने बोल रखा पहले भैयाओं, फूल खिलाने में ताली बजाने में कंजूसी नहीं करनी अपने को, इससे भैयाओं का मनोबल बढ़ता है। ये पूरे काम करते, कोई जेब काटता, कोई भीख मांगता, कोई तस्करी का धंधा करता है, पुलिस पकड़ती हो इनको, ये सब समाज को दूषित करते हैं। हाँ मेरे माँ बाप है पर वे अंधे हैं, उनका होने होने से भी ज्यादा वेदनापूर्ण है। मेरे तो माँ बाप नहीं, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं कहीं पर, मेरी माँ है पिता नहीं। क्या करते हो तुम सब, क्या धंधा करते हो? भीख मांगता हूँ मैं दर दर, मैं लोगों की जेब काटता हूँ, चोरी करता हूँ, माल इधर का उधर उधर का इधर, बड़े बड़े तस्कर मुझसे यहाँ काम करवा कर मुझको भी टुकड़ा दो टुकड़ा दे देते हैं। पर ये तो सब पूरे काम है। शर्म नहीं आती तुमको? यो जेब काटते, भीख मांगते, चोरी करते, तस्करी करते, डूब मरो तुम। हमें बताओ भीख मांगने से मरना जाए।
नहीं था। जनता की नजरों में कितने गिरे हुए हो, क्या तुम भी इंसान नहीं हो? हमें पता है हम भी धरती के बेटे हैं, लेकिन किस्मत के गंगा यमुना की धारा से बिछुड़ गंदगी में लेते हैं। हमें गंदगी से निकालो, हमें गंदगी से निकालो, हमें गंदगी से निकालो, हमें गंदगी से निकालो। हम गरीब हैं लेकिन इतना बुरे नहीं है। कितना लोगों ने समझा है हम मजबूरी के हाथों में पड़े हुए हैं। हम बस किस्मत के भिक्षा के टुकड़े पर पलक कर बड़े हुए हैं। हमको राह बताने कोई, हम भूले बनके राही हैं, चौराहे पर खड़े हुए हैं। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? हम अनपढ़ हैं, हमें क्या पता स्कूल किसे कहते हैं। काटे है जिंदगी हमारी, हमें क्या पता सुंदर फूल किसे कहते हैं। हम बहरों में फंसे हुए हैं, हम क्या जाने जग में फूल किसे कहते हैं। क्या तुम पढ़ने के इच्छुक हो? हाँ हाँ, कौन नहीं पढ़ना चाहेगा, अनपढ़ लोगों का जीवन ही पशुओं जैसा। पढ़ लिख कर कौन नहीं पढ़ना चाहेगा, उन्नति के ऊंचे शिखरों पर कौन नहीं चढ़ना चाहेगा। ऐसा अगर सोचते हो तो बुरे काम करते क्यों हो फिर? और क्या करें? कहाँ जाएं हम? कैसे जिए? काम करो कुछ, काम करो कुछ। सब कहते हैं काम करो कुछ, काम करो, लेकिन कोई काम करने को नहीं देता। कोई ऐसा धनी नहीं जो हम पर कुछ खर्च कर सके, हमें जिंदगी दे सके, जीवन की रोशनी दे सके। सबको अपनी पड़ी है, दूसरों की कौन सुनता है। फूल गिनने वाले सब यहाँ काटे, कौन यहाँ सुनता है। कौन सा काम तुम कर सकते हो? जो मिल जाए, जो मिल जाए, कैसा भी हो हम घर घर सब्जी बेचेंगे, जूतों पर पॉलिश कर लेंगे, घर में नौका चला लेंगे, बर्तन मांजेंगे, घर को साफ रखेंगे। पर हमें अपना है कोई, हमें सुधरने का अवसर दे। इन्हें ले चलो, इन्हें ले चलो, इन्हें स्कूल में भर्ती कर दो, इन्हें काम दे देंगे, घर का काम करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, इनका जीवन सुधर जाएगा। ये भीख मांगे चोर उछक के, इन्हें घर कैसे ले जाए? नहीं पिताजी, ये नफरत के पात्र नहीं, लाचारी ने इनको ऐसा बना दिया है। ये भी भारत के बच्चे हैं, इनमें मुझमें फर्क नहीं। आप धनी हैं, इनका जीवन सुधर गया तो सब आपके गुण गाएंगे। पढ़ लिख कर अच्छे कामों में लगकर ये भी भारत माँ के सच्चे बच्चे कहलाएंगे। इन्हें ले चलो। अच्छा, क्या तुम सब मेरे साथ चलोगे? जो तुम्हें मैं काम दूंगा सब कर लोगे? हाँ बेशक, आप धन्य है, आप धन्य है। आप जैसे सब धनी उदार हो जाए तो कोई बच्चा भीख न मांगे, न जेब काटे, सबके दुख सुख में सब बढ़ जाए। हम अनाथ बच्चों के सिर से ये मुसीबतों के काटे काले बादल हट जाए। हम जीवन पर सुना आपके गुण गाएंगे, भारत का झंडा अब हम भी उज्जवल हाथों से फहराएंगे। वासुदेव जी त्रिवेदी जी को वो मंच पर आए और उनका उपन्ना उड़ाकर स्वागत करें। आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला जो हमारे विशिष्ट व्यक्ति हैं श्री शांतिलाल प्रजापत जी, इसी प्रकार जी से निवेदन करूंगा वो मंच पर आए और शांतिलाल प्रजापत जी का उपन्ना उड़ाकर स्वागत करें। आगे इसी समाज की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अगला उनके स्वागत के लिए मैं मंच पर बुलाऊंगा हमारे कोटला धनराज संगठन मंत्री श्रीमान रामलाल पटेल जी को, वो मंच पर आए और भाई साहब का स्वागत उपन्ना उड़ाकर करें।